नमस्कार, मैं खुशी आपका स्वागत करती हूं छत्तीसगढ़ के लोकप्रिय न्यूज चैनल KSN 24 न्यूज पल पल की खबर में। आइए नजर डालते हैं आज की खास खबर पर। कोरबा जिले के पाली थाना अंतर्गत चैतमा चौकी के ग्राम चटवा भावना में बीदर कार्यक्रम के दौरान गोविंद यादव नामक ग्रामीण की हत्या करने वाले 3 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार आरोपियों में से एक नाबालिग है। बताया जा रहा है कि 2 दिसंबर की रात गांव में आयोजित कार्यक्रम के दौरान मृतक और आरोपी एक ही बाइक में चाय पीने के लिए गाँव के एक होटल में गए, जहाँ किसी बात को लेकर उपजे विवाद के तीनों ने गोविंद की जमकर पिटाई की, जिसके कारण उसकी मौत हो गई। मामले में 302 का मामला कायम कर आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया। प्रहलाद कंवर सीएससी पाली का वार्ड बॉय 3 दिसंबर को आकर थाना पाली में मरघटे संचार कराया। मृतक गोविंद यादव की ब्रॉड डेट से मृत्यु हुई है, जिसकी रिपोर्ट पर जो है मृतक का शव पंचनामा कार्रवाई किया गया। मामले से संबंधित गवाहों का बयान दर्ज किया गया। मृतक का शव का PM कराया गया, जिसमें डॉक्टर साहब के द्वारा 60 PM रिपोर्ट प्राप्त हुई, जिसमें मृतक की मृत्यु आपराधिक कारणों से होना बताने पर अज्ञात आरोपियों के विरुद्ध धारा 302-201 भारतीय दंड संहिता का अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना किया गया, जिसमें पाया गया है कि ग्राम चटवा भावना में 2 दिसंबर को बीदर का कार्यक्रम था, जिसमें देवालय में सभी गांव के लोग वहां नाच गान करने के लिए गए थे। मृतक भी वहां गया हुआ था, जिसमें रात्रि में करीब 4 बजे तक मृतक देवालय में नाच गान किया एवं आरोपी नील कुमार आयाम, राजेंद्र मरावी एवं विधि संघर्ष बालक के साथ एक मोटरसाइकिल में 4 लोग बैठ के ये लोग चाय पीने के लिए गए। वापसी दौरान मृतक और आरोपीगणों के मध्य किसी बात को लेके वाद विवाद हुआ, जिसमें आरोपी गणों के द्वारा जो है डंडे से और हाथ मुक्का से पैर से मारकर उनका हत्या करना पाया गया है, जिसमें आरोपी गणों को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेजा गया है। यदि आप हमारे इस वीडियो को YouTube पर देख रहे हैं तो KSN 24 न्यूज को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें।